तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं कासिफ शिवांश। आज अपन बात करने वाले हैं टाटा हैरियर के सारे वेरिएंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टाटा हैरियर का 2024 वर्जन फेसलिफ्ट अनवील हो चुका है। टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों के नए वाले मॉडल्स आ चुके हैं। टाटा हैरियर की वेबसाइट्स पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वेरिएंट बाय वेरिएंट टाटा हैरियर के, क्योंकि कौन से वेरिएंट में आपको कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर टाटा हैरियर आप बुक करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही वेरिएंट सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। अगर आप गलत वेरिएंट ले लो, अगर आप एक नीचे वाला वेरिएंट ले लोगे तो आप फीचर्स मिस कर जाओगे। अगर आप एक ऐसा वेरिएंट ले लोगे जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके काम के ही नहीं है, तो फिर वहां भी पैसा खराब होता है। तो कौन सा वेरिएंट लेना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सारे वेरिएंट्स अपन डिस्कस करेंगे, मोस्ट वैल्यू फॉर वेरिएंट भी बताऊंगा, और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो 10+ वेरिएंट्स आपको अवेलेबल हैं टाटा हैरियर में, जो कि हैं स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस है, एडवेंचर प्लस ए है, फिर आता है फियरलेस, फियरलेस प्लस है, फिर डार्क एडिशन भी है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, पर सारे कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट की, जो कि है स्मार्ट वेरिएंट। स्मार्ट वेरिएंट जो कि है बेस मॉडल, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी कनेक्टेड आपको टेल लैम्प्स मिलने वाले हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 17 इंच के अलॉय व्हील्स फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ, बहुत ही अच्छी बात है। काफी कंपनियां, मतलब मेरे हिसाब से बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, बेस मॉडल में अलॉय व्हील्स नहीं देती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सयूवी 700 की भी बेस मॉडल में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलते हैं, बट टाटा हैरियर ने बहुत अच्छी चीज करी कि अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहे हैं वो 17 इंच वाले। 6 एयर बैग्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड है 6 एयर बैग्स इसमें अक्रॉस द वेरिएंट। ऊपर वाले वेरिएंट में तो 7 है, पर बेस मॉडल में 6 एयर बैग्स मिलेंगे। सेफ्टी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है टाटा सेफ्टी का। सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, और इसमें मतलब आपको जितने हेल होल्ड कंट्रोल, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और सारे आपको बेस मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या क्या चीजें बेस मॉडल में मिलेंगी, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बेस मॉडल में मिलेगा, रूफ रेल्स जो कि इस बार टाटा हैरियर में आई है वो भी आपको बेस मॉडल से मिलने वाली है, नया वाला जो स्टेयरिंग व्हील है जिसमें टाटा का लोगो आया है इल्यूमिनेटेड वाला, वो भी आपको बेस मॉडल से देखने को मिल जाएगा। तो बेस मॉडल अपने आप में ही बहुत अच्छा मॉडल हो जाएगा। ऑल पावर विंडोज है, सेंट्रल लॉकिंग है, बहुत ही अच्छा बेस मॉडल बनाया है टाटा हैरियर ने, ये भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। अब चलते हैं सेकेंड बेस मॉडल की ऊपर, मतलब सेकेंड बेस की तरफ। इसमें आपको टच स्क्रीन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिल जाएगा, 6 स्पीकर मिलेंगे, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स JBL के, बहुत प्यारा साउंड रहता है। इसमें आपको वॉइस कमांड मिल जाएंगे, स्टेयरिंग में आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे म्यूजिक के लिए, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जिन्हें कहते हैं अपन, और इसमें शार्क फिन एंटीना, रियर वॉशर वाइपर मिल जाएगा, रिमोट वाली सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी। तो जो सेकंड बेस मॉडल है वो भी बहुत ही अच्छा है, बाहर से कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी मिलेगा आपको। अब चलते हैं एडवेंचर वाले मॉडल की तरफ। एडवेंचर वाले मॉडल में आपको 17 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो डायमंड कट में मिलेंगे, इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, टेरेन मोड्स मिल जाएंगे जो कि आता है रफ, वेट, और जो कि इसमें जो नॉर्मल रहता है वो, क्रूज कंट्रोल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मल्टी मोड लाइटिंग, मतलब जो एम्बिएंट लाइटिंग टाइप की चीज कंपनी ने दी है, जो इसका नया डैशबोर्ड है बहुत ही प्यारा जो लगता है उसमें आपको इसमें एम्बिएंट लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी मिलना। इसमें आपको फ्रंट एलईडी फॉग लैम्प्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपको एडवेंचर से, ड्राइव मोड्स जो कि हैं इको स्पोर्ट वो भी आपको एडवेंचर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एडवेंचर रहेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले बाकी के वेरिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब अपन चलते हैं एडवेंचर प्लस वेरिएंट की तरफ। एडवेंचर प्लस वेरिएंट में आपको पैनारोमिक सनरूफ जो कि इंडियंस का फेवरेट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, R18 मतलब 18 इंच वाले अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि नई वाली हैरियर में अभी लॉन्च हुए हैं, नए वाले अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मिल जाएगा, मतलब जो इसमें पहले टाटा हैरियर में जो एरो वाला आता था वो आपको नीचे वाले वेरिएंट्स में है, एडवेंचर प्लस से आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मिलेगा, वायरलेस चार्जर मिलेगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे, एयर प्योरीफायर मिलेगा जो कि आपकी Hyundai की गाड़ियों में बहुत टाइम से आ रहा है, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स,
ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, वैसे ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि टाटा हैरियर में वैसे भी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी थी। मैं 4 साल से हैरियर ओन कर रहा हूँ, BS4 वाली, ब्रेकिंग के मामले में गाड़ी बहुत प्यारी है। और अगर आप एडवेंचर प्लस ऑटोमेटिक में लोगे तो आपको इसमें पेडल शिफ्टर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एडवेंचर प्लस ही वो मॉडल है जिसमें आपको डार्क एडिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एडवेंचर प्लस के आगे आता है एडवेंचर प्लस ए, ए स्टैंड्स फॉर एडास वाले फीचर। अगर आपको एडवेंचर प्लस में एडास चाहिए तो एडवेंचर प्लस ए वाला मॉडल लोगे आप तो एडास मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं टॉप टू मॉडल्स की तरफ, टॉप और सेकंड टॉप मॉडल की तरफ। सेकंड टॉप मॉडल जो कि है फियरलेस, फियरलेस में आपको क्या क्या ऑफर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नई वाली जो टच स्क्रीन आई है जो बहुत ही बड़ी है 12 इंच की ऊपर वाली, वो आपको मिलना स्टार्ट होगी फियरलेस मॉडल में। वॉइस असिस्टेड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एक काफी रिच फीचर होता है, बहुत ही महंगी गाड़ियों में आता है, पैसेंजर सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियों में है। XUV 300 में आता था ये फीचर, अभी भी है मेरी वाली गाड़ी में और अभी ये मेरे को देखने को मिल रहा है पैसेंजर मतलब नॉर्मल अपनी कारों में, हैरियर में। तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको फ्रंट में और रेयर में, वेलकम और गुड बाय वाले एनिमेशन मिलेगा। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है तो इसमें पावर ड्राइवर सीट्स मिलेंगी, पावर को ड्राइवर सीट्स मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी इसी वाले मॉडल से। 9 JBL के स्पीकर्स जो जिनका साउंड बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, मेरे को नहीं लगता कि XUV कहीं से भी और MG हेक्टर इसको कहीं से भी टक्कर दे पाती हैं। तो 9 JBL के स्पीकर्स बहुत ही प्यारा साउंड क्रिएट करते हैं जो कि आपको मिलेंगे फियरलेस वाले मॉडल में। फ्रंट LED फॉग लैंप्स विथ कॉर्नरिंग फंक्शन मिलेगा आपको, ऑटो डिनिंग IRVM मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल, रेयर फॉग लैंप्स भी इसी मॉडल से मिलेंगे आपको और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा आपको इस वाले मॉडल से। तो फियरलेस सेकेंड टॉप मॉडल बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉडल है। और अब बात करते हैं अपन टॉप मॉडल की जो कि है फियरलेस प्लस। फियरलेस प्लस में आपको 7 एयरबैग्स मिलेंगे 6 की जगह, एडास भी मिलेगा आपको इसमें, जेस्चर कंट्रोल टेलगेट मिलेगा, 10 JBL स्पीकर्स मिलेंगे 9 की जगह, एलेक्सा का वॉइस कमांड मिलेगा और SOS वाला इमरजेंसी कॉल वाला फीचर भी आपको मिलेगा। और अगर आप फियरलेस प्लस में डार्क एडिशन लेते हैं तो उसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाएंगे, और एडवेंचर प्लस में डार्क एडिशन लेते हैं तो उसमें भी 19 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाएंगे। तो डार्क एडिशन अवेलेबल स्टार्ट होता है एडवेंचर प्लस से, एडवेंचर प्लस में अवेलेबल है और फियरलेस में भी आपको मिल जाएगा डार्क एडिशन, और फियरलेस प्लस में भी डार्क एडिशन आपको मिल जाएगा। अब अपन कंपेयर करते हैं टॉप मॉडल को सेकेंड टॉप मॉडल से, और मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड टॉप मॉडल ज्यादा अच्छा क्यों है टॉप मॉडल से। देखिए जब इसकी प्राइसिंग आ जाएगी, जो टॉप मॉडल है वो सेकेंड टॉप मॉडल से पूरे 1,00,000 रुपए या 1,20,000 ज्यादा महंगा रहेगा, और उस 1,20,000 की जो प्राइस रहेगी वो उतनी ज्यादा जस्टिफाइबल नहीं रहेगी क्योंकि 6 एयरबैग से 7 एयरबैग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो 7th एयरबैग है वो नी एयरबैग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस वो क्रिएट नहीं करेगा। एडास एक ऐसा फीचर है जो हाईवे पे ज्यादा काम आता है, अगर आप हाईवे पे ज्यादा नहीं जाते हैं, और मेरे हिसाब से तो आपको खुद पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए टेक्नोलॉजी से, और ये कभी भी एडास वाला जो फीचर है कब जाके आपको कहीं ना कहीं धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं है इसका। रोड पे अपन को ही ध्यान रखना चाहिए हमेशा, हाईवे बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो जाते हैं कई बार। तो एडास बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। जो जेस्चर्ड पावर टेल गेट है बहुत ही कम ऐसा होता है कि अपने दोनों हाथ भरे रहते हैं और फिर अपन को यूज करना पड़ता है अपना पैर जिससे टेल गेट खुल जाए, तो जो ये जेस्चर्ड पावर टेल गेट है ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। 9 की जगह उसमें 10 JBL स्पीकर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं है। तो जो मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा वो है सेकेंड टॉप मॉडल फियरलेस वाला, उसमें आपको सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे, सारे नए फीचर्स मिल जाएंगे, एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ में भी एम्बिएंट लाइटिंग दी इस बार कंपनी ने, सारी चीजें आपको फियरलेस में मिल जाएंगी और आपके पूरे 1,00,000 या 1,20,000 रुपए बच जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा एडवेंचर वाला, एडवेंचर प्लस नहीं एडवेंचर। उसमें आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, टेरेन रिस्पॉन्ड मोड है, ड्राइविंग मोड्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है, क्रूज कंट्रोल है, मतलब बेसिक सारी चीजें हैं, रियर कैमरा भी है। तो मतलब अगर आप एक स्किल्ड ड्राइवर हैं तो फिर आपको 360 डिग्री कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको सारी चीजें ऑफर हो जाएंगी और मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है एडवेंचर। और अगर आप पैसे पूरे खर्च करना चाहते हो, गाड़ी का पूरा मजा लेना चाहते हो, तो फिर फियरलेस ले लो और फिर टॉप मॉडल लो, टॉप मॉडल होते ही है, पर थोड़े पैसे भी बचाने हैं, गाड़ी का पूरा मजा भी लेना है तो फियरलेस लो, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एडवेंचर मॉडल। और फिर बाकी डार्क एडिशन की बात, तो डार्क एडिशन की बात है, जिनको ब्लैक कलर पसंद है उनके लिए तो वो लाजवाब चीज है, पर कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक भी रखती है क्योंकि पूरे इंटीरियर्स ब्लैक हो जाते हैं डार्क एडिशन में, हर चीज ब्लैक हो जाती है।
और जो एजिंग होती है वो उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, ज्यादा मेंटेनेंस रहता है डार्क एडिशन में। तो मेरे हिसाब से तो डार्क एडिशन पे तभी जाना जब गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करने की आदत हो और आपको ब्लैक कलर से बहुत प्यार हो। तो गाइज यही था पूरा वीडियो सारे वेरियंट्स को लेकर टाटा हेरियर के। टाटा सफारी पे भी एक वीडियो ऐसा आने वाला है सारे वेरियंट्स को, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं जिसमें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो मुझसे पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।